बच्चों की फरियाद सुनो सरकार, हमारे लिए पुल बनवा दो मुख्यमंत्री जी व प्रधानमंत्री जी, नहीं तो हम किसी दिन बह जाएंगे। ये फरियाद घरियाण पंचायत के घमेड़ा गांव के नन्हे नन्हे ननियाल कर रहे हैं, जो कि जान जोखिम में डालकर खड पार करके स्कूल जाने को विवश हैं। बच्चों का ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। यहाँ बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि गांव के लोग पिछले 20 सालों से पुल व सड़क की समस्या से दो चार हो रहे हैं, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे या प्रशासन ने इस गांव की सुध नहीं ली। हाँ, चुनावों के समय नेताओं ने यहाँ के लोगों के साथ पुल सड़क बनाने के वायदे जरूर किए, लेकिन सभी झूठे साबित हुए, जिसको लेकर यहाँ के लोगों के लिए ना तो कोई सरकार है ना ही प्रशासन। यहाँ के लोगों का कहना है कि वह सरकार और प्रशासन से इस गांव के लिए पुल व सड़क बनाने के लिए मांग करते करते थक चुके हैं, लिहाजा अब ननिहालों ने फरियाद की है, शायद ननिहालों की फरियाद से हमारे राजनेताओं का दिल पसीज जाए। गांव घमेड़ा तहसील झुंडता जिला बिलासपुर में पड़ता है। यहां से 40 से 50 बच्चे हर रोज़ सर याली खड्ड को पार करके राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दसलेड़ा में शिक्षा के लिए आते हैं। दसलेड़ा के सरहाली खड्ड के पार ये गांव घमेड़ा काफ़ी सालों से राजनीतिक अपेक्षा का शिकार है। इस गांव के लोगों के लिए ना तो पुल है ना ही सड़क है और बिजली भी नहीं है। यहां के लोगों को अगर दसलेड़ा आना हो तो उन्हें सड़क के माध्यम से 12-13 किलोमीटर का सफ़र शहतलाई के रास्ते से करना पड़ता है। काफ़ी समय पहले कांग्रेस सरकार के विधायक ने इस गाँव को सड़क निर्माण करवाने और सरहियाली सड़क खड्ड पर पुल के जरिए दसलेड़ा गांव से जोड़ने के लिए प्रयास किया था, लेकिन सरकार के फेरबदल होने से अगली सरकार के विधायक ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। समय चक्कर के साथ सरकारें आई और गई, लेकिन घमेड़ा गांव के फरियाद किसी ने नहीं सुनी। अब देखना होगा कि क्या नन्हे बच्चों के फरियाद पर सरकार व नेताओं का दिल पसीजेगा। बता रहे हैं पे हमारी खड्ड में पानी बहुत है, हम वार पार नहीं टपते, हमारे बच्चे बरसात में अड़ी आंदे था है भाई। हाँ जो है पुल पाने चाहिए महाराज, बेचते बनने तो है वोट कोई नहीं देनी है, सीधी गल हाँ सड़क बनना चाहिए इस 19 साल पैदल चलने के लिए रास्ता देखिए और आंखों में दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, श्रीवाली खड्ड पर पुल डाला जाए और श्रीवाली खड्ड में पुल डाला जाए और तभी ये तलाई से सुविधा होगी कि तलाई तक हम पहुंच सकें। मैं कलाकार साइन वर्ती हूँ। आज श्रीवाली खड्ड में इतना पानी होने के बावजूद बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, यहाँ तक कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ही असंभव है, क्योंकि इस गांव में सड़क का बहुत ही अभाव है और ना ही कोई पुल है। हमने 2009 में इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, इसको अब हमने मुख्यमंत्री जी से, एमएलए जी से और एमपी जी से सबसे करवाया है, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में कोई सुनवाई अभी तक नहीं की है, जिससे ग्रामवासियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।